ग्वालियर शहर में कर्नाटक की तर्ज पर लगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 50% कमीशन के पोस्टर को लेकर कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने इसे बीजेपी की असंतुष्ट कुष्ठ की करतूत बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह की उचित रणनीति नहीं करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा जैसे गुट हैं। हो सकता है अपने किसी कुंठा बढ़ाने किसी ग्रुप ने यह पोस्टर लगवाए हैं। उन्होंने कहा शिवराज सरकार के बाद पास सभी जांच एजेंसियां हैं, वे इस मामले की जांच करा सकती है, लेकिन कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने से पहले भाजपा को अपने भीतर झांकना चाहिए। ये पोस्टर लगे हैं यहाँ पर 50% कमीशन के आरोप, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध लगे, कैसे देखते हैं आप? आरोप आप पे है कि कांग्रेस ने लगाए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर आरोप हम पे अगर भाजपा लगाती है या भाजपा को लगता है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, तो वर्तमान में उनकी सरकार है, शासन प्रशासन सब कुछ उनके हाथ में है, उसकी जांच कराना चाहिए। और इतनी स्तरहीन राजनीति करने का कांग्रेस का कभी कोई इतिहास नहीं रहा। कांग्रेस हमेशा मुद्दों की बात करती है और मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगी। इसलिए ये जो कांग्रेस को बदनाम करने का षड्यंत्र है ना, ये उल्टा उन्हीं पर पड़ने वाला है। इसकी जाँच कराएँ, किसने पोस्टर चिपकाए, उनके पास सारी एजेंसियां हैं। अगर कांग्रेस का कोई हाथ है तो बताएं कि कांग्रेस कभी इस स्तर तक नहीं जाती। और कांग्रेस क्यों जाएगी? पूरे प्रदेश में जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है और भाजपा बौखलाहट में, भाजपा की समझ में आ नहीं रहा कि हमको करना क्या चाहिए। अब इसमें तीन तरह की भाजपा है इस समय, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा। अब एक दूसरे को निपटाने में लगे, किसने किसके खिलाफ पोस्टर चिपकाए हैं, ये भाजपा का काम है, भाजपा ढूंढे, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। इस बार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बड़े बड़े मार्जिन से बनने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता बोल रही है। आप प्रदेश में कहीं भी जनता से जाकर पूछ लो, पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी और कांग्रेस की आंधी है।